हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई ये वीडियो पर्टिकुलर न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग है, क्योंकि न्यूजीलैंड को लेके सक्सेस रेट जो है वो ऑल टाइम जो हाई आप कह सकते हैं, हालांकि इससे भी ऊपर था, लेकिन अभी थोड़े टाइम से देखे कम हुआ, लेकिन अभी भी इतना कम नहीं हुआ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेरिजन करते हैं ना न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के सक्सेस रेट का, तो आप सीधा मानो कि ज़मीन आसमान वाले डिफरेंस का हिसाब है। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया सेम प्रोफाइल के ऊपर 10 में से अगर 4 वीज़ा दे रहा है, तो न्यूजीलैंड जो है सेम प्रोफाइल के ऊपर 10 में से 7 वीज़ा दे रहा है। तो इतना सक्सेस का जो है ऑलमोस्ट जो है वो डिफरेंस है। तो इसके बारे में वीडियो रहेगी, वीडियो कट तक देखें, एंड थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को लेके भी बात करेंगे कि न्यूजीलैंड वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो वो सारे कुछ आपको न्यूजीलैंड वीज़ा के रिगार्डिंग ATZ इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड जो कुछ क्वेश्चन होते हैं आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक डिटेल क्वेश्चन में पूछ लोगे तो जल्दी आंसर हो जाता है, क्योंकि चेन ऑफ क्वेश्चन अगर आती है तो कई दिन निकल जाते हैं आंसर करने के लिए। अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप ऑन कॉल गाइडेंस ले लेकर उसमें आपको डिटेल में मैं कैसे आप फाइल प्रेजेंट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, वो भी आपको बता दूंगा। सो हालांकि काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वीडियो में है, फिर भी कुछ बच जाए तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर बात करें तो पर्टिकुलर राइट नाउ आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट है वो बहुत ठीक ठाक है, कई बार ठीक ठाक से भी डाउन लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी वो रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। वीज़े भी आ रहे हालांकि, बट इतना बड़ा नंबर नहीं है अगर हम न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में पढ़ते हैं। तो न्यूजीलैंड पे अगर आए वापस, जो हमारा मेन टॉपिक है, तो राइट नाउ न्यूजीलैंड फार्मर प्रोफाइल है आपका, आपकी एज 20 है, 25 है, यंगस्टर भी पूछते होते हैं ना कि क्या करें, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा जो है मौका है। 20 एज है, 25 एज है, आप अनमैरिड हो, आप फार्मर हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपकी प्राइवेट जॉब है, इवन सैलरी भी कैश में आ रही है, आपके पास पे स्लिप्स है, आपके पास ITR एटलीस्ट है, आपके पास NOC जॉब से मिल सकता है, बाकी डिटेल जरा आपके फंड वगैरह आपके अपने 6 महीने की स्टेटमेंट है, तो भी आपका न्यूजीलैंड वीज़ा निकलने के चांसेस 70% या इससे ज़्यादा बन सकते हैं। जी हाँ, ये वो वाले प्रोफाइल की बात की, बाकियों के तो है ही देखो चांसेस, जो हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो कहते हैं कि एवरेज से ऊपर वाले प्रोफाइल, उनका तो न्यूजीलैंड में फुल चांसेस है ही, लेकिन जो एवरेज से बिलो वाले प्रोफाइल भी है, जो अभी देखने के लिए ट्रेंड चल रहा है कि उनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। हाँ, इससे पहले आप पूछो कि हाँ सक्सेस रेट अच्छा है, कोई वीज़ा वगैरह आ रहे हैं तो कोई प्रूफ भी चाहिए होता, बहुत से लोग उस एंगल से भी देखते हैं, तो भाई रिसेंट डेट में काफ़ी अच्छे वीज़ा आए हैं, एक दो आप देख ही सकते हो, आप ये चेक कर लो, सो ध्यान से देख लो, ये लास्ट मंथ का ही वीज़ा है, ये 7 वाला ये भी देख लो। ओवरऑल जो न्यूजीलैंड का है वो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, तो आपके लिए सही टाइम है। पूछते हैं ना कि सही टाइम कब है, तो भाई न्यूजीलैंड के लिए पिछले 3-4 महीने से सही टाइम चल रहा है, और अभी भी सही टाइम है। अगर आप न्यूजीलैंड का अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा है। तो मतलब अगर कोई पूछता है कि रिस्क कम लेना है, प्रोफाइल ठीक ठाक है, तो मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड लगा लो, ज़्यादा चांसेस आपके बन सकते हैं, चाहे होटल पर लगा रहे हो, चाहे इन्विटेशन पर लगा रहे हो, डज नॉट मैटर, सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल रहा है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या आ जाए, देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ भी सेम है, आपके वर्क के डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड है, फैमिली की ID प्रूफ है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी ITR है, आपकी पे स्लिप्स है, आपकी सेविंग्स है, सारा कुछ इसमें ऐसे ही लगना है जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ऑस्ट्रेलिया में ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है डॉक्यूमेंट लगाने के, आप 60 तक डॉक्यूमेंट लगा सकते, इसमें ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा ये यहाँ ट्रिकी हो जाती चीज़ें, लोगों को समझ नहीं आती, तो मैं सीधा बताता हूँ। सबसे पहले आएगा आपका पासपोर्ट लगाना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, फिर आएगा आपका आधार कार्ड, ठीक है, ध्यान से जब जो फाइल लगा रहा है खुद, वो बाद में जो मेरी वीडियो रिवाइंड करके यहाँ से जरूर देख लेना, कहीं को डॉक्यूमेंट लगाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो पहले पासपोर्ट लगेगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, फिर आपका आधार कार्ड लगेगा, फिर कई बार लिखा होता है कि फैमिली डिटेल के बारे में, फैमिली कंपोजिशन वगैरह कुछ पूछे, पर्टिकुलर वो न्यूजीलैंड के लिए होता है, लेकिन उसको आप खाली भी छोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जेन्युइन इंटेंट को लेके आपका जो ट्रैवल प्लान, उसके लिए ऑप्शन आता है, तो वहाँ आप अपना कवरिंग लेटर हो गया, आपका जो होटल बुकिंग होगी, आपकी आइटनरी जो भी आपने बनाया, वो सारा कुछ आपके जो है ट्रैवल प्लान की जो ऑप्शन आता है वहाँ पर लगना है। उसके बाद एक जेन्युइन इंटेंट का भी होता है, तो जहाँ जेन्युइन इंटेंट की बात करें, जहाँ जॉब डॉक्यूमेंट की पटरी को बात की होती है, जॉब NOC ऐसे करके लिखा होगा, तो वहाँ अपने अपने फाइनेंशियल लगाने हैं, जो काम के आपके वर्क के प्रूफ है, दैट मीन्स आपकी ITR लगा लो, आपके जॉब के लेटर, आपकी पे स्लिप्स, आपकी सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट, तो 10 MB तक का साइज़ हो सकता है, उस हिसाब से जो आपके वर्क को प्रूव करते डॉक्यूमेंट है ना, वो वहाँ पर लगेंगे उस ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद बाकी जो है बैंक स्टेटमेंट का भी ऑप्शन आता है, अदर जेन्युइन इंटेंट डॉक्यूमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, कुछ रह जाता है, या लास्ट में बैंक स्टेटमेंट के भी ऑप्शन आते हैं, फिर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, और कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करना है, जैसे फैमिली के आधार कार्ड ऐड करने हैं, आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाना चाहते हो, प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस वगैरह होगी,
आपकी सी एयरपोर्ट है या कुछ भी है, ये आप जेनुइन टेंट में भी रख सकते हो, लेकिन फिर भी लास्ट में आप ऐड मोर का करके ऑप्शन आता है वहाँ पे, ऐड करके आप और भी डॉक्यूमेंट जितने मर्जी लगाते चलो, चाहे 20 लगा लो 25 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट लगाने में ध्यान रखना है, बाकी दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा आप इजी काउंट कर सकते हो कि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपको, कुछ ज़्यादा डिटेल फिल नहीं करनी पड़ती। बैक होम फैमिली टाइज की डिटेल भी वो नहीं मांगते, वो आपको चलो आईडी प्रूफ लगा दो। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया का एप्लीकेशन फॉर्म है 20-21 पेजेस होते हैं, सारे हर किसी भी इंप्लीमेंट नहीं होते, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी रहता है इसके अगर आप मुकाबले में कंपैरिजन में पढ़े तो। एक सिंपल सा फॉर्म है, उसको फाइल करो, खुद भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उतने चांसेस आप खुद लगा रहे हो उसके हैं, उतने चांसेस जो किसी कंसल्टेंट से लगा रहे हो तो उतने, डिपेंड करता है। कई बार किसी को एक्सपीरियंस है तो थोड़ी प्रेजेंटेशन पे वो काम ज़्यादा अच्छा कर सकता है, अदरवाइज अगर प्रोफाइल अच्छा है तो आप खुद भी लगाते हो तो सक्सेस रेशियो जो है अच्छी रहने की उम्मीद है। तो डैट मीन्स कि राइट नाउ न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट अच्छा है, तो भाई ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी चाहे आपने जाना है तो ट्राई करो। साथ में क्वेश्चन ले लेता हूँ, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर ले? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेस थोड़ा ठीक ठाक है, आपका रीज़न होना चाहिए, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है तो रिजेक्शन रेशियो भी चल रही है, मतलब कि हर किसी को नहीं मिल रहा, बट स्टिल अगर आप 50-50 भी मानो फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आप न्यूजीलैंड में पहुँच चुके हैं आते ही, लेकिन ऐसा ना हो कि 2-3 महीने रुकने के बाद आप सोचो तो आप जेन्युइन ट्रैवलर नहीं बनते कि न्यूजीलैंड में 3 महीने से क्या करें टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। तो आप जाते ही जैसे न्यूजीलैंड में पहुंचते हैं वहां से आप यहां का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दो, 5-7 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंटेशन लगा के फाइल सबमिट कर दो, बायोमेट्रिक दे दो, रिजल्ट में इतना टाइम शायद ना लगे, तो आप उस हिसाब से ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। और चांसेस आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो और बाद में न्यूजीलैंड में जाके अप्लाई कर रहे हो तो न्यूजीलैंड में बैठ के भी चांसेस फिर भी इंडिया के मुकाबले थोड़े ठीक रह सकते हैं, बट इस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि वो वीज़ा की गारंटी बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल अटैम्प्ट करने में क्या जाता है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री तो हो ही गई, न्यूजीलैंड में कोई सेटलमेंट करनी है तो देख लो पहुंच तो चुके ही हो, और 6 महीने बाद फिर से ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड वर्क परमिट होल्डर हो, आपको 6 महीने से ज़्यादा काम करते हुए हो गया है, तो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया का विस्टर वीज़ा लगने के चांसेस 70% के आसपास चले जाते हैं। बहुत से सिनेरियो मैं सारे डिस्कस करूँ तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो बेसिक जो हमारा मेन टॉपिक था वो मैंने सारा कवर कर दिया। स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कोशिश करें डिटेल में एक थोड़ा सा पैराग्राफ बना के लिख दिया करो, सो हेलो हाय बहुत आते हैं उसके साथ लिख दिया करो क्वेश्चन, तो जब क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, तो जो काफ़ी लोग कॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरी एडवाइस है कि आप मैसेज कर लिया करो, कॉल वाली सर्विस पेड है क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर किसी को आधा घंटा कॉल पे, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बस 2 मिनट की कॉल है, तो मैंने एक दो बार करके देखा है और कोई भी 2 मिनट कहने के बाद वाला बंदा जो है किसी ने भी 20-25 मिनट से पहले कॉल कटने की, और साथ में फिर अगले दिन फिर से कॉल आती है, तो भाई वो पेड सर्विस पे ही ठीक रहता है कि एटलीस्ट जो सीरियस होगा वो स्पेंड करके प्रॉपर मैं टाइम भी उनको दे पाऊंगा कि मुझे नहीं लगेगा कि टाइम जो है ज़्यादा जा रहा है। सो इसलिए ऑन कॉल सर्विस के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।